देश में बढ़ते धार्मिक विवादों को लेकर शहर के हिंदू धर्मगुरु और संगठन सामने आने लगे हैं। इस क्रम में महंत रामप्रिय दास के नेतृत्व में हिंदू संगठन के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और प्रशासन के माध्यम से महामहिम के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान को सांप्रदायिक बताकर जिस तरह शासन प्रशासन ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है, ठीक वैसी ही कार्यवाही तथाकथित धर्म विशेष के शांति दूतों के विरुद्ध भी होनी चाहिए। महंत रामप्रिय दास के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देने आए हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि नुपुर शर्मा तथा नवीन जिंदल के बयान को बहाना बनाते हुए पूरे देश में अस्थिरता फैलाई जा रही है। खासकर हिंदू प्रतीक चिन्हों का अपमान किया जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने आज एक रैली निकालकर राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार और राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा को जिस तरह से एक विशेष संप्रदाय के संगठनों ने जान से मारने की धमकियां दी हैं, ऐसे में उन्हें कड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार तत्काल उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए और देश तथा हिंदू धर्म के बारे में उठपटांग बयानबाजी करने वाले सेक्युलर नेताओं तथा धर्म विशेष के मुल्ला मौलवियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, यही हमारी मांग है। रायगढ़ से राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। मामला तो आप सबको विदित भी होगा, आप मीडिया वाले हैं। रिंकू शर्मा का जो प्रकरण चल रहा है पूरे देश में, मतलब आतंक फैला रखा है कुछ विशेष रूप में, उसी को लेकर हम लोग आज मतलब की ज्ञापन दिए। क्या मांग क्या है आप लोगों की? मांग लिए ये है कि जो ये आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंक विधि गतिविधियाँ अपना रहे हैं, उनके प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। शासन के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएँ कि भविष्य में भी इस तरह की मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ न करनी पड़े।